तो नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। भाई आज हमारे पास है एक बजट प्राइस में आने वाली बाइक जो टीवीएस की ओर से आपको मिल जाती है, और इस बाइक का कंपटीशन है हीरो एचएफ डिलक्स सीडी 110 होंडा की जो आती है, और आपकी हो गई हीरो की स्प्लेंडर। इन सभी बाइक से इस बाइक का कॉम्पिटिशन है इंडियन मार्केट में। और अगर बात की जाए प्राइस की, तो भाई ये बाइक आपको इंडियन मार्केट में ऑन रोड कीमत लगभग 68,000 रुपीज़ से लेकर 78,000 रुपीज़ के बीच में पड़ जाती है। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका इतना बजट है तो आपको इस बाइक की ओर जाना चाहिए, या फिर आपको टीवीएस स्पोर्ट छोड़कर एचएफ डिलक्स या फिर स्प्लेंडर जैसी बाइकों की ओर जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जोड़ देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की और आपके लिए एक बेहतर बाइक चुनने की। स्टार्ट की जाए की से, तो भाई की कुछ ऐसी मिलती है आपको बाइक में। अगर स्प्लेंडर या फिर एचएफ डिलक्स से इसका कंपैरिजन किया जाए तो उन दोनों बाइक से काफ़ी बेहतर आपको इस बाइक के साथ की मिल जाती है। अब स्टार्ट करते हैं बाइक के फ्रंट से। तो फ्रंट में जैसे ही आप बाइक का वाइजर देखेंगे तो भाई वाइजर भी एचएफ डिलक्स और स्प्लेंडर से यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्टिकर में या फिर ग्राफिक्स में कह लीजिए, यहाँ पर टीवीएस की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये ऑटो एक्सपर्ट डायरी अपना चैनल है, जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें इस टीवीएस स्पोर्ट की और वीडियोज़ को देखने के लिए। यहाँ पर दोनों तरफ आपको बाइक के ग्राफिक्स मिलते हैं, वाइजर पर मिल जाते हैं हैलोजन में, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर बात की जाए हेडलाइट की, तो भाई इस लाइट की हेडलाइट बहुत ज़्यादा बेहतर है उन दोनों बाइक से। क्या इस सेगमेंट की सभी बाइकों से बेहतर है टीवीएस स्पोर्ट की हेडलाइट, और ये हमारे पास 2022 वाली मैन्युफैक्चरिंग का वेरिएंट है। तो इसमें आपको पायलट लाइट भी मिलती है। अभी ये मैंने बाइक का इग्निशन ऑन किया है तो इतनी ही ब्राइटनेस करती है। नाइट में तो वैसे ये भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा तो भाई ये ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। दिन में ये आपको इतने अच्छे से नज़र नहीं आ रही होंगी। इसके अलावा बाइक में आपको अगर बात की जाए मुड गार्ड की, तो ये भी भाई दोनों बाइक से काफ़ी बेहतर मिलता है। अगर बात की जाए फ्रंट टायर की, तो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता, यहाँ पे आपको ट्यूब वाला टायर ही मिलेगा, और ये अलॉय 17 इंच का रहने वाला है। और अगर बात की जाए ब्रेकिंग की, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। ब्रेकिंग बाइक की ठीक ठाक है। अभी बाकी बातें करते हैं। मुड गार्ड पर आपको दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर बात की जाए बाइक के साइड प्रोफाइल की, तो साइड से आप देख सकते हैं बाइक देखने में कुछ ऐसी लगती है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के फ्यूल टैंक की, तो भाई साहब फ्यूल टैंक पर आपको बड़े बड़े ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ये ग्राफिक्स हल्के फुल्के होंडा साइन से भी इंस्पायर्ड हैं। यहाँ पर आपको ETFI की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको TVS की ब्रांडिंग 3D में मिलती है, ये यहाँ पर स्टिकर में नहीं दी गई है स्प्लेंडर और आपकी एचएफ डिलक्स की तरह। ये आपका फ्यूल टैंक हो गया, ये ऐसे नहीं खुलता, इसको अगर आपको खोलना है तो ये पूरा ही बाहर आ जाता है। अभी खोल कर दिखा दूंगा। बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी, तो यहाँ पर आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और बाइक में यहाँ पे अगर बात की जाए इसकी, तो भाई ये बैटरी बॉक्स वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है प्लास्टिक में, और उसके बाद ये वाला एरिया भी आपका काफ़ी अच्छा ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। इस पर भी आपको बड़े बड़े स्टिकर्स मिल जाते हैं, और ये आपकी स्पोर्ट्स की बैजिंग है। यहाँ पे आपको KLS की बैजिंग इसलिए दी गई है क्योंकि हमारे पास जो बाइक है ये किक स्टार्ट वाला वेरियंट है। अगर आपके पास सेल्फ स्टार्ट वाली बाइक होगी तो यहाँ पर ELS की बैजिंग होगी। उसके बाद अगर आपको अपनी सीट को ओपन करना है, यहाँ पे कुछ रखना है, तो उसके लिए यहाँ पर लॉक भी दिया गया है। ये ना ही तो आपके एचएफ डिलक्स में मिलता और ना ही आपके स्प्लेंडर में मिलता। उसके बाद यहाँ पर ये आपको साड़ी गार्ड दिया गया है, और चढ़ने उतरने के लिए भाई ये आपको फुट स्टेप भी मिलता है, या फिर आप इसको जो कहना चाहे वो कह लीजिए। और दोस्तों अगर बात की जाए बाइक के चैन कवर की, तो भाई चैन कवर यहाँ पर आपको फाइबर में मिलेगा, ये आपका लोहे का नहीं रहने वाला है। और अगर बात की जाए फुट पैक्स की, तो फुट पैक्स काफ़ी ठीक ठाक हैं जब आप इन पर पैर रखते हैं रियर वालों पर। मैं अपनी बाइक पर एक दो बार ही बैठा हूँ, तो भाई बैठने के बाद ऐसा फील आता है जैसे आप पल्सर या फिर अपाची पर ही बैठे हैं। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा पीछे बैठ के इस सीट पे, मतलब कि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ बैठ के आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप 100cc की या फिर इतनी सस्ती सेगमेंट वाली बाइक पे बैठे हैं। आपको बिल्कुल अपाची या फिर पल्सर वाली फील यहाँ पर आने वाली है। अगर बात की जाए बाइक के इंजन की, तो यहाँ पर आपको 109cc का एयर कूल इंजन मिलता है। स्प्लेंडर और एचएफ में आपको 97cc का एयर कूल इंजन मिलता है। पावर फिगर्स मैं अभी आपकी स्क्रीन पर लिख देता हूं, आप खुद ही चेक कर लेना, उन बाइक्स के भी लिख दूंगा और साथ में इसके भी। यहां पे भी आपको 4-स्पीड मैनुअल गियर बुक्स मिलता है, और गियर इसके भी स्प्लेंडर की तरह ही लगते हैं, पीछे को और आगे को निकलते हैं। अगर बात की जाए इस चीज़ की, तो भाई ये यहाँ पे आपको मेटल का मिलता है, लेकिन ये वाला एरिया आपका इस बाइक में फाइबर का रहने वाला है। एक एक चीज़ को अच्छे से कवर करके आपको बताऊंगा, बिल्कुल नो टेंशन रहिएगा। यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न मिलता है बाइक में, डुअल हॉर्न यहाँ भी नहीं है, लेकिन स्प्लेंडर से काफ़ी बेहतर हॉर्न इस बाइक में आपको मिल जाता है। और अगर बात की जाए इस लेग गार्ड की, तो भाई ये लेग गार्ड स्प्लेंडर और एचएफ डिलक्स में आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलता है, यानी कि स्टील वाला, लेकिन ये यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश में मिलेगा, लोहे का है। और एक और मजे की बात यहाँ पे आपको बता देता हूँ, स्प्लेंडर और एचएफ डिलक्स में आपको ओरिजोनटल इंजन मिलता है, यानी कि जो चीज़ है आपकी ये यहाँ पे आगे की ओर होती है, इसलिए उन बाइक्स में इतना बेहतर पिकअप नहीं मिलता जितना आपकी ओवर स्क्वायर इंजन वाली बाइक में आपको पिकअप मिलता है। और यही सेम इंजन आपको टीवीएस रेडोन और टीवीएस स्टार सिटी प्लस में भी मिलता है। ये देख सकते हैं, ये जो आपका ऐसे तिरछा
टेढ़ा सा होता है, इसको बोलते हैं ओवर स्क्वायर वाला इंजन। और यही सेम चीज़ आपको KTM RC यानी कि KTM की बाइक्स में मिलती है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं इस इंजन का पिकअप भी उन बाइक से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और अब उससे मजे की बात यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, अगर बात की जाए इस बाइक के रियर सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन आपको बिल्कुल स्प्लेंडर वाला ही मिलेगा। यहाँ पे भी आपको 5-way एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। लेकिन मजे की बात यहाँ पर यह है, जो आपको स्प्लेंडर में सस्पेंशन मिलता है या फिर HF डिलक्स में, आपने नोट किया होगा वहाँ पे आपको पूरा सस्पेंशन खुला मिलता है और वहाँ पे एक छोटा सा कवर मिलता है। लेकिन इस बाइक में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा ये चीज़ दी गई है। इसको जो भी कहेंगे, खैर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी दी गई है इससे थोड़ी प्रीमियमनेस वाली फील आती है और देखने में बाइक को ऐसा लगता है जैसे हम तो हायर सेगमेंट की बाइक चला रहे हैं। मतलब पल्सर अपाची वाली फील यहाँ पे हल्की फुल्की देने की कोशिश की गई है, वो बात अलग है, उस लेवल की बाइक नहीं है। अगर बात की जाए रियर टायर की, तो रियर में आपको ये देख सकते हैं 3017 का ट्यूब वाला टायर ही मिलता है, यानी कि यहाँ पर टायर भी आपका स्प्लेंडर और HF डिलक्स से बढ़ा दिया गया है। ये टायर साइज आपको बजाज पल्सर 125cc में मिलता है, जो आपको इस 110cc की TVS स्पोर्ट में मिल रहा है इतने कम पैसों में आने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर भी आपको रिम 17 इंच का ही मिलेगा और मेड इन इंडिया फिर से यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि ये भी टायर आपका TVS का ही रहने वाला है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी यहाँ पर एक एडवांटेज है इस बाइक को, क्योंकि इस बाइक में आपको रियर टायर चौड़ा होने की वजह से काफ़ी तगड़ी स्टेबिलिटी मिलती है। उन दोनों बाइक से बेहतर इस बाइक की स्टेबिलिटी है, फिर चाहे आप हाई स्पीड पर देख लीजिए या फिर उबड़ खाबड़ रास्तों में या फिर जहाँ पे थोड़ा कीचड़ वीचड़ होता है वहाँ पे भी इस बाइक की स्टेबिलिटी स्प्लेंडर और HF डिलक्स से या फिर इस सेगमेंट की जो भी बाइक्स हैं उनसे काफ़ी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपको टायर थोड़ा चौड़ा दिया गया है। ये देख सकते हैं जी, दूसरी साइड से देखने में बाइक कुछ ऐसी लग रही है। अब बात करते हैं इस वाली साइड में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए बाइक की किक की, तो किक यहाँ पर आपको लोहे की मिलेगी, ये स्टील में नहीं दी गई है, देख सकते हैं फुल्ली ब्लैक की यहाँ पे आपको दी गई है। और इंजन भी बाइक का आपका पूरा काला ही मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए एग्जॉस्ट के ऊपर ये जो आपको प्लेट मिलती है, ये यहाँ पे आपको पूरी की पूरी स्टील में दी गई है और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन इस बाइक को एक डिसएडवांटेज है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बाइक में जो आपको रियर यानी कि पिछले वाला ब्रेक मिलता है, अरे भैया कैसे दिखाऊँ, ये जो आपको पिछले वाला ब्रेक इस बाइक में मिलता है, यहाँ पे आपको 110mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। लेकिन स्प्लेंडर और HF डिलक्स में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। तो वहाँ इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्प्लेंडर और HF डिलक्स में इस बाइक से हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बाइक रुकती नहीं है, ब्रेकिंग इसकी भी काफ़ी अच्छी है अगर आप 60-70 तक चलाएंगे तो। लेकिन भाई अगर आप उसके बाद यानी कि इस बाइक की औकात से बाहर इसको भगाएंगे तो ब्रेक मारने में बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उस चीज़ के लिए ये बाइक नहीं बनी है जो आप समझ रहे हैं। अगर बात की जाए बाइक के रियर की, तो भाई साहब रियर में जैसे ही हम ग्रैब हैंडल से स्टार्ट करेंगे तो HF डिलक्स वाला ही ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिया गया है। खैर उसका लुक थोड़ा सा अलग है, लेकिन देखने में वो भी ऐसा ही लगता है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लास्टिक में पूरा का पूरा ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलेगा, अभी गर्दा काफ़ी ज़्यादा है इसके ऊपर। यहाँ पर भी आपको मैट ब्लैक फिनिश के ऊपर TVS की ब्रांडिंग मिल जाती है। और अगर बात की जाए टेल लाइट की, तो भाई टेल लाइट उन दोनों बाइक से काफ़ी बेहतर ये रात को लगती भी है, और जब ये नीचे जलती है तो एक अलग सा ही अपना माहौल बनाती है। मतलब एक सर्कल सा अगर आप देखेंगे तो भाई जब ही समझ पाएंगे, या फिर आपको इस बाइक का हेडलाइट टेस्ट वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैंने वो चीज़ दिखाई थी। उन बाइक की तरह इसकी लाइट ऐसे ग्लो तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ एक ज़मीन पे सर्कल भी बनाती है। अगर बात की जाए बाइक के इंडिकेटर की, तो यहाँ पर भी आपको फ्लैक्सीबल इंडिकेटर दिए गए हैं, लेकिन ये इतने फ्लैक्सीबल नहीं है कि आप इनको ऐसे घुमाएंगे ये हल्के फुल्के झटके से टूटने वाले इंडिकेटर है। यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है, मान लीजिए आपकी टेल लाइट खराब हो जाए तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर हल्का फुल्का ग्लो करता रहता है। अगर बात की जाए रियर वाले मुड़गार की, तो भाई ये काफ़ी बेकार क्वालिटी का यहाँ पर दिया गया है, ये देख सकते हैं कैसे पूरा का पूरा हिल रहा है। कई बार तो डर लगा रहता है अगर बाइक हल्की सी पीछे से टच हो जाए या फिर कोई पीछे से आगे मार दे तो भाई ये मुड़गार्ड बिल्कुल तिरछा हो जाएगा, उसके बाद या तो इसको चेंज कराना पड़ेगा वरना तो बाइक पीछे से देखने में तिरछी लगेगी। सारी चीजें तो हो गई, अब चल लेता हूँ आपको बाइक के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे लेकर और दिखाता हूँ इस बाइक में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको सेगमेंट की किसी भी बाइक में नहीं मिलती, मात्र इसी बाइक में वो चीज इतने पैसों में आपको मिल सकती है, उनके पास आपको लेकर चलता हूँ। सबसे पहले